अब ये देखें, ये बढ़ाते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। वही पैटर्न रिपीट करते हुए मैंने यहाँ पे 13 रोज़ की हैं। देखें, एक 13 राउंड, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरहवा राउंड कर रही हूँ। तेरहवा राउंड किस तरीके से किया देखें, 13 राउंड इसी तरीके से हमने बढ़ाते हुए कंप्लीट करना है। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि एक चेन लेने के बाद 8 ग्रुप्स हैं। यहाँ पे पहले डबल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशे करेंगे, तो टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। फिर एक चेन लेके, देखिए हमने साइड पे 3 ही डबल क्रोशे रखनी है, दोनों साइडों पे 3 ही डबल क्रोशे रखनी है। फिर एक चेन लेके यहाँ पे एक स्किप करके नेक्स्ट गैप में 1 डबल क्रोशे कर देंगे, 1 फिर चेन लेके उससे नेक्स्ट गैप में दूसरा डबल क्रोशे, 2 फिर चेन ली उससे नेक्स्ट गैप में तीसरा डबल क्रोशे, 3 फिर चेन ली अगला डबल क्रोशे, 4 यहाँ पे चेन लेने के बाद 5वां डबल क्रोशे, 6ठा, फिर चेन लेने के बाद 7वां, फिर चेन लेने के बाद 8, फिर चेन ली 9, फिर चेन लेके यहाँ पर, अब ये देखें यहाँ पे 3 डबल क्रोशे हैं। पहला छोड़ देंगे चेन लेने के बाद, दूसरे वाले में 1 डबल क्रोशे करेंगे और इसके तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशे, आखिरी वाले में 2 डबल क्रोशे करेंगे एक ही चेन में, 1 और 2। अब एक चेन लेके सब स्टिच कर देंगे ऐसे। इस तरीके से मैंने इंक्रीजिंग के राउंड सारे कंप्लीट कर लिए हैं, बढ़ाने के जितने भी राउंड्स हैं सब मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, इससे अगले पार्ट में मैं आपको इसको घटाना बताऊंगी। देखें, यहाँ पे मैंने पत्ते की शेप बनानी है, तो पत्ते की शेप बनाने के लिए पहले बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे।